मगर सियासत का पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। चुनाव करीब आते ही तमाम सियासी दलों ने अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दी हैं और फिर से एक बार शह और मात का खेल शुरू हो गया है। एक बार फिर एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाला मुस्लिम मन किधर जाएगा। आज बरेली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की बैठक थी और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं तमाम उलमा जो दिल्ली लखनऊ और तमाम शहरों से आए हुए हैं वो यहाँ पर आए थे। पहले उनसे बात करते हैं कि किस एजेंडे पर उनकी बैठक थी और उसके बाद आज की सियासत पर चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया में। मैं मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ अजीजी लखनऊ से आया जी। आज जो आपकी ये बैठक थी ये किस एजेंडे पर थी और क्या आप लोगों की मांगे हैं? बहुत सारे मराहिल थे जिसमें हिंदुस्तान के लोग फेल हो चुके हैं और मुसलमान फेल हो चुका है, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे हुजूमी तशद्दुद का मसला हो। साथ ही साथ हमारे लिए सबसे बिग प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी खानकाहें हैं, हमारी मसाजिद हैं, उस पर जो उसके अकीदे के लोग नहीं हैं उस पर कब्ज़ा किए ले रहे हैं। हमें उसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेना है। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं और सब इंसान हज़रत आदम से पैदा किए गए हैं, तो ये जमहूरियत को ले करके उसको पामाल किया जा रहा है। त्रिपुरा का मसला हो या उसके अलावा दीगर मकामात का मसला हो, हर जगह हुजूमी तशद्दुद के साथ आदमी मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है और गवर्नमेंट के तआवुन से ये सब हो रहा है। ये क्यों कर है? मीडिया को भी इस पर कुछ कलम चलाना चाहिए और बोलना चाहिए। जी मेरे साथ महासचिव भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मोइन भाई ये बताइए कि क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह से किस एजेंडे के तहत लोग? देखिए हम लोगों की मांगे तो बहुत हैं, माशरे में सबको बेदार करना है और जो सबसे मेन मांग है जो वक्फ की प्रॉपर्टियों में शुरू से लेके आज तक वाकिफ़ की मंशा के खिलाफ होता चला आ रहा है और उसको खुर्द बुर्द किया जा रहा है, बल्कि सरकारी संरक्षण में ऐसा किया जा रहा है। हम लोग उसके साथ लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं कि इन प्रॉपर्टियों पे जिन लोगों का हक है, ये का गरीबों का सूफी रिज़्म वालों का, उनके हिस्से आए और कौम के लिए इसका इस्तेमाल हो, बल्कि अपने लिए ना हो के कौम के लिए इसका इस्तेमाल। ठीक है, मेरे साथ मौलाना शाहबुद्दीन जी मौजूद हैं जो बरेली में दरगाह आला हज़रत के प्रचारक हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब आप लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं, आज का जो एजेंडा है वो क्या था और अब आगे आपके जो आने वाले चुनाव है उसमें क्या देखते हैं कि क्या एक बार फिर मुस्लिम उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा या फिर? आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के सूबाई इजलास में महत्वपूर्ण फैसले किए गए, उसमें ये कहा गया कि ख़ास तौर पर कोर्ट, हाई कोर्ट और जो ज़िला कोर्ट है उसमें खालिस शरई और मजहबी मामले जो लंबित हैं उन पर कोर्ट की तरफ से कानूनी सेल बना करके उसकी पैरवी की जाएगी मजबूती के साथ में। और यह भी फैसला किया गया कि मदारिस इस्लामिया के जो इजलास होंगे, सालाना जलसे होते हैं, उसमें मुसलमानों के साथ साथ में हिंदुओं को भी दावत दी जाएगी और उनको भी बुलाया जाएगा और उनको भी मदरसे का मुआयना किया जाएगा, ताकि जो मदरसों पर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इल्ज़ाम गलत है, वो लोग आकर के अपने खुद अपनी आँखों से देखें। जहाँ तक सियासी बात है, ये इंतखाबी हालात है, इंतखाबी मौसम है, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी इंतखाबात के ताल्लुक से कोई फ़ैसला नहीं किया है। ताहम हम जो है वो मुसलमानों के कौमी मिली मसाइल को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। जो सही होगा उसका फैसला किया जाएगा, बहुत जल्द लखनऊ में मीटिंग की जाएगी, जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर होगा वो मुसलमानों की रहनुमाई की जाएगी। इस समय जो पार्टी सत्ता में है वो लगातार कह रही है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, तो कितना आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इससे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा ये नाकाम हो चुका है और अब इस नारे में कहीं कोई दम नहीं रहा। और चूँकि हमारे पास में मिसालें हैं और सबूत हैं, चाहे वो तीन तलाक का मसला हो, लव जिहाद का मामला है, टेरर फंडिंग का मामला है, आतंकवाद का मामला है, उलमा की गिरफ्तारियां हैं, मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां हैं, और सिर्फ मुसलमानों की कम्युनिटी में सिर्फ 1% वो तबका जो ताल्लुक़ रखता है उसको ओबलाइज करने का मामला हो, तो इसलिए इन तमाम मुद्दों के दरमियान वज़ीर आज़म का यह नारा बेमाना होकर रह गया है।
अब तमाम पार्टियां जो पहले से अपनी हकदारी या दावेदारी कह सकते हैं वो जताती रही हैं मुस्लिम वोटों पर, इस बार जो मुस्लिम मन है वो चला जा रहा है समाजवादी पार्टी है कांग्रेस है तमाम विपक्षी साधन। देखिए मुस्लिम मसाइल की बात है तो मुसलमानों के मसाइल पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, वो तमाशाई बनी हुई हैं। जितने भी मामले भी मैंने बताए, मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की गई, मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, आतंकवाद पर मदरसों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया, कुरान शरीफ पर हर्फ गिरी की गई, कुरान शरीफ पर मुकदमा कायम किया गया, इसी तरीके से बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिस पर ये तमाम सेकुलर पार्टियां खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। इसलिए हम अपने मसाइल खुद हल करेंगे, हम ताकत के जोर पर हल करेंगे, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं कि हम किसी के दरबार में जाकर के भीख मांगें। अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या फिर जो राजनीतिक पार्टियां आपके मसाइल से इत्तेफाक रखती हैं उनके साथ जाएंगे, कौन सी ऐसी पार्टी है? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बगैर मुसलमानों के मिले मुसलमानों के साथ में हिंदू सिख ईसाई दलित ओबीसी ब्राह्मण ठाकुर शोध जाति और छत्री जितने भी बिरादरियां हैं इनके बगैर मिले हुए कोई भी काम नहीं हो सकता है। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी अलग से कोई बनाएं या हम कोई कैंडिडेट उतारें या हमारा हम किसी को समर्थन करें। मुस्लिम प्रसला बोर्ड ऑफ इंडिया इस नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इंतखाबी सियासत से बिल्कुल दूर है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश सदर। ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी में हाजी दयाल अहमद साहब मखदूम जो है वो काफ़ी पदावर पदों पर रहे, आप एक बार फिर से अखिलेश जी और शिवपाल जी का अलायंस भी हो चुका है, किस तरह किस नज़रिए से देखते हैं समय चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चुनावी बोर्ड में उत्तर प्रदेश जा रहा है? देखिए वैसे तो हम किसी पार्टी के वफादारी नहीं करना चाहते हैं, हम किसी पार्टी को अपना वफादार समझते नहीं, ना ही हम किसी पार्टी के साथ में खड़े हैं। लेकिन बात आपने अखिलेश यादव की कही है, शिवपाल की कही है, तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब उनका ड्रामा है, नाटक है। पिछली बार उन लोगों को मालूम था कि हम सरकार बना नहीं पाएंगे, एक दूसरे को थोप देंगे, इस बार उन्हें लग रहा है वो बहुत बड़ी हवा में है कि हम जीतने की कगार पे हैं तो हम चचा भतीजे मिल जाएंगे। ये सब आप समझ सकते हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं वो अखिलेश यादव के वालिद गिरामी, उनके अब्बा जान, इसलिए मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हाजी रियाज अहमद साहब हमारे ज़िले की बड़ी शख्सियत थे, वो नहीं रहे और उनके साथजादे अब मैदान में आ रहे हैं, देखो क्या करते हैं वो लोग, इन चीज़ों पर खुश हो जाता। आज़ादी के बाद एक अमूमन जो रुझान रहा है मुसलमानों का वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है, तो क्या मानते हैं अगर अखिलेश से नाराज़गी होगी तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा? देखिए मुसलमान किसी की जागीर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, ये चाहे मुलायम सिंह यादव हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, मुसलमानों को अपने बाप दादाओं को ज़रखरीद गुलाम ना समझें। मुसलमान अब जो इस बार फैसला करेगा वो ऐतिहासिक फैसला होगा और जो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। रही बात कांग्रेस की, ये जो आज हमारे हालात हैं इसकी बुनियादी जो 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 इसकी बुनियाद डाली है वो कांग्रेस ने तो डाली है, ये सब दिखावा है कि फला कर रहा है फला कर रहा है। जितना नुकसान मुसलमानों का कांग्रेस ने पहुँचाया है भाजपा भी कायमत तक नहीं पहुँचा सकता, मेरा दावा है। यही तो मेरा सवाल है आपसे कि कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया, अखिलेश से आप खुश नहीं हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो दावा है उसको मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ है, आखिर कौन ऐसा है जो इसके लिए हम लोग बहुत जल्द एक नई तैयारी नई रणनीति के साथ बात करेंगे आपसे, दोबारा करेंगे बात, अभी हम लोग इन मुद्दों पर बात करेंगे। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ जो है वो राजनीतिक हलचल, सबका सबका हक है, जमहूरी मुल्क है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो जमहूरियत के दबाव से उन्हें ये हक हासिल था, पार्टी बने चुनाव लड़ रहे मानते हैं वो जो मुस्लिम्स हैं उसके लिए फायदे की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं फायदे की, बात तो हम भी बोले बात करते हैं, अंडरग्राउंड क्या है हम नहीं जानते, मतलब शुभा है उसमें की कहीं ना कहीं शुभा की अभी कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग देख रहे हैं, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं कि हकीकत क्या है, तो हकीकत सामने आएगी तो वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे, हम लोग कमरों में नहीं बैठे आपसे। ठीक है, कुछ और लोगों के साथ मुझे उनसे बात, आपको क्या नाम? हाँ सर भाई, ये बताइए कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें किस परिदृश्य में देखते हैं इस समय चुनाव को, क्योंकि बहुत रोचक हो चुका है, तमाम जो पार्टियां हैं मायावती को छुपे साधे हुए हैं, अखिलेश और शिवपाल जी का अलायंस हो चुका है, किस तरह से देखते हैं? देखिए अब तक जो सरकार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है,
मेरे हिसाब से उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, खाली हिंदूवाद को बढ़ावा दिया है और तमाम जो हिंदू मुस्लिमों नफ़रत फैलाने वाली चीज़ें हैं उनको सामने लेकर के आए हैं। उन्होंने मुस्लिमों के हक में मुस्लिमों की कभी हिमायत नहीं करी और हम इस चीज़ की मुखालिफत भी करते हैं। तो क्या मानते हैं किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए मुस्लिम को? इसका फैसला जल्द आएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाफिज़ नूर अहमद साहब ने कहा कि जल्द हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तमाम जो चर्चा है उसमें निकल कर यही आ रहा है कि अभी सब लोग बैठेंगे, ये तय करेंगे कि आखिर इस बार जो मुस्लिम्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे। आप जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ बरेली से, ऑल इंडिया मुस्लिम तंजीम जो है उसका सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सेकुलर मुल्क था, मौजूदा सरकार ने इस सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक धर्म एक करके एक संप्रदाय को लेकर जो है देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और बाकी के साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है। इंसाफ बहुत जल्द होगा और हम लोग उस इंसाफ के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने फैसला आ जाएगा कि मुसलमानों का रुझान किस तरफ जाता है। ठीक है, तो यानी मुसलमान जो है इस समय मंथन की प्रक्रिया में है, वो सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए जो इस बार मुसलमानों के हक में हो, वो ना केवल वोट बैंक बंद करना रह जाए। मैं एक बार फिर मौलाना शाहबुद्दीन के पास जाऊँगा जो लगातार मुखर रहते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो उनसे पूछते हैं मौलाना साहब, एक बार फिर मेरा सवाल वही है कि वैसी पूरी ताकत के साथ ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि वो मुस्लिम मसाइल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम मुद्दों हक की बात कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं? वैसी साहब मुसलमानों के बेशक मसाइल पार्लियामेंट में उठाते हैं और उस पर वो बड़ी ज़ोरदार तरीके से बात भी करते हैं। इसी वजह से एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का उनसे जुड़ा हुआ है और उनकी बातों को पसंद करता है। रही ये बात पार्टी की और कैंडिडेट लड़ाने की, तो संविधान ने हर एक शख्स को इजाज़त दी है कि वो अपनी पार्टी बना सकता है और अपने कैंडिडेट पूरे मुल्क में कहीं भी वो उतार सकता है, तो वो संविधानिक इजाज़त के तहत वो काम कर रहे हैं। हमें उस पर कोई मज़ाक़ा नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। कोई दूसरा शख्स भी अगर आके काम करता है तो उस पर भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। हिंदुस्तानी निज़ाम जमहूरियत में यही तो एक ख़ूबी है कि उसने सबको इजाज़त दे रखी है हर तरह के काम करने की। इसलिए और एक ख़ास बात आपको ये बताऊँ कि उनके ज़हन में अगर तस्वूर हैदराबाद का है तो हैदराबाद की सियासत में और उत्तर प्रदेश की सियासत में थोड़ा फ़र्क है। हैदराबाद में मुसलमानों की जो आबादी है वो 90% है और उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की आबादी है वो 25% है, तो इतना बड़ा तनासुब है। इस वजह से वहाँ की सियासत में और यहाँ की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, ये बताइए कि जो हमेशा होता चला आया है एन चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बढ़ जाता है और जैसे कि आपने कहा कि जो ताकतें हैं वो सत्ता में रहती हैं, इस बार ऐसा कौन सा निर्णय लिया जाएगा कोई पार्टी एक विकल्प के तौर पर चुन ली जाए? अभी कबल वक्त कहना है, कोई वाकत अगर मैं बात कहता हूँ तो वो कबल वक्त होगा, इसलिए मैं इस पर अभी हतमी तौर पर फाइनल शक्ल में आपसे कोई किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता हूँ। हाँ, हमारे उलमाए किराम ज़रूर कोशिश करेंगे कि और पूरी जद्दोजहद भी हमारी होगी कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद रहें और मुत्तफिक होकर जिस पार्टी को भी देना चाहते हैं उसको दें। इसकी लॉबिंग में हम लोग ज़रूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा निर्णय लिया जाए कि एक तरफा वोट मुस्लिम्स का किसी पार्टी को मिले और उसके बाद वो निर्णायक भूमिका बने। पाठक के साथ आशीष गुप्ता।